हाय फ्रेंड्स, आई एम राहुल फ्रॉम वेवा पॉइंट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर पेज को कैसे एक्सपोर्ट करोगे और पेज को दूसरे वेबसाइट पे कैसे इंपोर्ट करोगे। मतलब कि अगर आपके पास एक वेबसाइट है या फिर ब्लॉग है जहां पे आपने 5, 10 या 15 जितने भी नंबर ऑफ पेजेस बनाए हैं, उस पे कंटेंट यूज किया हुआ है, इमेजेस यूज किए हैं, और अब आपकी रिक्वायरमेंट है कि सेम पेजेस आपको किसी दूसरी वेबसाइट पे यूज करना है, ब्लॉग पे यूज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप मैन्युअली जाते हो तो आपको वन बाय वन दूसरी वेबसाइट में पेज को क्रिएट करना पड़ेगा, कंटेंट राइट करना पड़ेगा, वापस से वहां पे आपको इमेज लगानी पड़ेगी। तो एक तरीका है वर्डप्रेस में जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, पहली वेबसाइट पे जितने भी पेजेस हैं उन्हें आप एक्सपोर्ट करो और जो नई वेबसाइट है या फिर जहां पे आपको यूज करना है पेज उस वेबसाइट में ले जाके आप उन पेज को इंपोर्ट कर दो। तो सारा का सारा पेज आपको क्या होगा, जो नई वाली वेबसाइट है या फिर जो दूसरी वेबसाइट है जहां पे आप यूज करना चाहते हो वहां वो अपीयर हो जाएगा। तो ये जो तरीका है वो मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं इस वीडियो में, तो आप वीडियो को पूरा देखना ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना करो। और अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलने से पहले मैं आपको एक बात याद दिला दूं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको फ्यूचर में लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो ये देखो, ये एक मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट है। इस वेबसाइट के अंदर जो भी पेज और पोस्ट मैंने यूज किया है वो मैं दूसरी वेबसाइट के ऊपर यूज करने वाला हूँ। ये देखो, यहाँ पे ये मेरा होम पेज है। जैसे मैंने अबाउट पे क्लिक किया तो ये डिफरेंट पेजेस यहाँ पे बने हुए हैं। तो इन सारे पेजेस को मैं क्या करने वाला हूँ, ये देखो, ये जैसे अबाउट का बना हुआ है, तो इस तरीके से इस पे जितना भी कंटेंट है इस वेबसाइट का, इस कंटेंट को मैं मूव करना चाहता हूँ कौन सी वेबसाइट पे। ये जो मेरा है ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये एक URL है और इसे मैं ले जाना चाहता हूँ जो मेरी एक दूसरी वेबसाइट है। एक बार मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। तो इस वेबसाइट के ऊपर मुझे अपने पेज को और पोस्ट को इंपोर्ट करके लाना है और एक्सपोर्ट करके लाना है। ये देखो, मैं इस पे चाहता हूँ कि जो भी पेजेस है वो यहाँ पे आ जाएं जो मैंने यूज़ किया है। तो एक बार पहली वाली वेबसाइट में आना है। ऊपर जो आपको ये दिख रहा है ये इस वजह से दिख रहा है, एडिट पेज, जब भी आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में लॉगिन होते हो तो ऊपर आपको ये टॉप में बार जो दिखता है इसके अंदर ये डिटेल आ जाती है, पेज को एडिट करने का, वेबसाइट को विजिट करने का, डैशबोर्ड में जाने का। तो मैंने दोनों वेबसाइट में के अंदर ऑलरेडी लॉग्ड इन कर रखा है। तो अब मैं पहली वेबसाइट पर आ जाता हूँ और इसके मैं डैशबोर्ड में इन करता हूँ। तो डैशबोर्ड में आ जाते हैं सबसे पहले, और आपको कैसे करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं। ऑल पेज पे क्लिक कर लेता हूँ मैं। तो जैसे मैंने ऑल पेज पे क्लिक किया तो यहाँ देखो, इसमें अबाउट, अकाउंट, कॉन्टेक्ट, गैलरी, लॉग इन, लॉग आउट, मेम्बर, माई टेबल, रजिस्टर, काफ़ी सारे पेजेस बने हुए हैं, थैंक यू, यूज़र, टर्म एंड कंडीशन, टेबल। तो इसमें काफ़ी सारे पेजेस हैं। इसके साथ ही अगर मैं पोस्ट की बात करता हूँ, पोस्ट भी चेक कर लेते हैं इसमें कितने पोस्ट हैं, ताकि जब आप नेक्स्ट वेबसाइट पे आओ, दूसरे पे जाएं, तो वहाँ ये सारे पेज आए हैं या नहीं आए हैं आप चेक कर सकते हो। तो एक बार मैं पोस्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये देखो, जैसे मैंने पोस्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये सारे पोस्ट भी आ गए। मतलब इसमें 1, 2, 3, 4 पोस्ट हैं, हेलो वर्ल्ड डिफॉल्ट होता है और ये 3 पोस्ट यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं। तो अब आपको क्या करना है, कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको कहाँ आना है, जो ये आपका मेन्यू दिखता है इसमें आते हो आप कहाँ जाते हो, टूल में जाते हो। ये देखो, ये टूल्स का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है आपको, जो जहाँ पे भी जाते हो आप टूल्स के अंदर, इसके अंदर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। जो ये आपका टूल है यहीं पर बना होता है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो इसके अंदर आप जाओगे टूल में, एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दोगे, ठीक है। जैसे ही आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करते हो तो आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन मिल के आ जाता है। कहाँ पे ये ऑप्शन मिलेगा आपको, आपको कहाँ जाना है, लेफ्ट में टूल पे आना है। इसके अंदर आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है। आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो भी करना है, मतलब जो पहली वेबसाइट है जहाँ से आपको पेज को क्या करना है, डाउनलोड करना है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। जिस वेबसाइट से आपको पेज डाउनलोड करनी है उसमें आपको एक्सपोर्ट करना पड़ता है पेज को। तो आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हो, जैसे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हो तो आपको ये सारा ऑप्शन मिल जाता है। अब देखो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, कंटेंट के बारे में पूछ रहा है कि आपको कौन सी चीज़ें इस वेबसाइट से डाउनलोड करनी है, मतलब एक्सपोर्ट करनी है। जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो वो XML के फॉर्म में डाउनलोड हो जाती है। ऊपर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा है, वर्डप्रेस विल क्रिएट एन XML फाइल फॉर यू टू सेव टू योर कंप्यूटर। मतलब आप जब डाउनलोड करोगे तो एक XML फाइल आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगी जो आप सेव कर लोगे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है पोस्ट का और पेज का। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ पेज की, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है पेज पे।
जैसे ही आप पेज पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन मिलता है, देखो यहाँ पे मिलता है स्टार्ट डेट, मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि कौन से डेट के बिटवीन आपको जो पेजेस है वो एक्सपोर्ट करनी है, डाउनलोड करनी है। पहले वाले में मैंने अक्टूबर 2020 से नवंबर 2020 कर दिया। इसका मतलब है इस दो मंथ के बीच में जितने भी पेज क्रिएट हुए हैं इस वेबसाइट के अंदर, वो सारे पेज क्या होंगे, डाउनलोड हो जाएंगे। तो ये आपको ऑप्शन समझ में आ गया। जो सेकेंड चीज इसमें मिल रहा है ऊपर आपको ऑथर, जब आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एडमिन है, तो एडमिन ने ही पेज क्रिएट किया है। सपोज करो आपकी वेबसाइट के अंदर आपने किसी को ब्लॉग लिखने के लिए एडिटर बनाया है, ऑथर बनाया है, तो वहां पे एडिटर और ऑथर भी आएगा। मतलब आप चाहते हो कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की जिसने ये पेज लिखा है उसी के पेज को राइट करना है। जैसे अगर एडमिन ने 10 पेज बनाए हैं तो आप यहाँ से एडमिन को सिलेक्ट कर लोगे तो एडमिन के सारे पेज डाउनलोड हो जाएंगे। अगर ऑथर को सिलेक्ट करना है तो आप वन बाय वन वो सिलेक्ट कर लोगे, आपके ड्रॉपडाउन में आ जाएगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ऑल ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। डेट भी मैं हटा देता हूँ ताकि जितने भी पेजेस हैं वो सारे यहाँ पे क्या हो जाए, डाउनलोड हो जाए। एक आप स्टेटस देखो, स्टेटस में जब आप आते हो तो आपको क्या मिलता है, पब्लिश शेड्यूल ड्राफ्ट पेंडिंग प्राइवेट। मतलब जब आप पेज क्रिएट करते हो तो पहली ऑप्शन होती है जो ऑल का, सेकेंड जो आपको ऑप्शन मिल रहा है पब्लिश, मतलब जो पेज लाइव होते हैं वो क्या होता है, पब्लिश होता है। शेड्यूल्ड मतलब फ्यूचर के डेट में पेज को पब्लिश करने के लिए शेड्यूल किया गया है। ड्राफ्ट का मतलब होता है कि आपने पेज को बना के सेव करके रख लिया है लेकिन अभी आपने लाइव नहीं किया है। तो इस तरीके से आप जिस पेज के ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे वो वाला पेज आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो आप सिंपली अगर आपको सारे पेज करने हैं तो आप ऑल कर लेना। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, ऑल पे सिलेक्ट कर लाए एंड डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ से देखो नीचे एक XML फाइल क्या हो गई, डाउनलोड हो गई। मतलब सारे पेज यहाँ पे डाउनलोड हो गए मेरे, डाउनलोड हो गया यहाँ पे, तो जो मैंने एक पूरा का पूरा पेज डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पे पेज डाउनलोड किया है इस पेज को मैं दूसरी वेबसाइट में कैसे यूज करूँगा, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो अब चलते हैं दूसरी वेबसाइट पे, ये वाली वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट में मुझे क्या करना है, उसे इम्पोर्ट करना है। पहली वेबसाइट से क्या किया था आपने, एक्सपोर्ट किया था। वापस आते हो आप इसके डैशबोर्ड में इन कर लेते हो। जैसे आप इसके डैशबोर्ड में इन करोगे तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, वापस से वही ऑप्शन चूज करना है, टूल में जाना है। बट उससे पहले मैं आपको एक बार इसके पेजेस दिखा दूं कि अभी इसमें कितने नंबर ऑफ पेज आ रखे हैं, बने हुए हैं इस वेबसाइट में। तो एक बार पेजेस में चलते हैं, तो यहाँ पे आते हो तो देखो अभी इसमें होम, सैंपल एंड प्राइवेसी पॉलिसी, तीन ही पेज बना हुआ है, लेकिन पहली वेबसाइट में काफी सारे पेज थे। तो अब आपको क्या करना है, वापस से टूल में आना है, सेकेंड वाली वेबसाइट में जिसमें आपको पेज को क्या करना है, इम्पोर्ट करना है, ले जाना है। तो आप यहाँ पे इम्पोर्ट पे क्लिक कर देते हो। अब जैसे आप इम्पोर्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे तो आपको देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। जैसे आप इम्पोर्ट कर लोगे तो इम्पोर्ट पे आपने क्लिक कर दिया, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा नीचे, देखो वर्डप्रेस इंस्टॉल नाउ डिटेल इम्पोर्ट पोस्ट पेजेस कमेंट कस्टम फील्ड कैटेगरी। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो ये वाला आपको ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे, मैं थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूँ, कि जैसे ही मैंने इसमें इम्पोर्ट पे क्लिक किया तो ये वाला पेज मेरा ओपन हो गया। यहाँ पे इम्पोर्ट करने के बाद आपको नीचे आ जाना है, ड्रैग करके इम्पोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ वर्डप्रेस का ऑप्शन दिख रहा है, इंस्टॉल नाउ को आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक कर देना है। आप इस पर क्लिक करके वेट कर लो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद का जो ऑप्शन है वो इसके बाद आएगा। तो एक बार इसे इंस्टॉल हो जाने देते हैं, जो ये इम्पोर्टर होता है, एक्चुअली वर्डप्रेस के अंदर एक इम्पोर्टर होता है। तो ये देखो आ गया, जैसे मैंने इसे इंस्टॉल किया तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रन इम्पोर्टर। तो आपको क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है। अब मैंने इस पे क्लिक कर दिया किस पे, रन इम्पोर्टर के ऊपर। जब आप इसे इंस्टॉल कर लेते हो इसके बाद ये ऑप्शन आपको विजिबल होता है। तो अब मैंने इस पे क्लिक कर दिया है, तो क्लिक करने के बाद देखो, अब क्लिक करने के बाद क्या आ रहा है आपके पास, ये क्या दे रहा है आपको, कि आपको चूज करने के लिए दे रहा है XML फाइल टू अपलोड, देन क्लिक अपलोड फाइल एंड इम्पोर्ट। मतलब जो पिछली वेबसाइट से, लास्ट वेबसाइट से मैंने एक XML फाइल डाउनलोड की है जो यहाँ पे रखा हुआ है, उसे आपको क्या करना है, चूज कर लेना है जहां भी अपने अपने सिस्टम में सेव किया हुआ है। तो आप इस पे क्लिक करते हो, जैसे आप इस पे क्लिक चले जाते हो, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये वाली फाइल देखो पड़ी हुई है XML की, आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है, ओपन कर देना है और इस पे क्लिक कर देना है अपलोड फाइल एंड इम्पोर्ट। जैसे ही आप सिलेक्ट कर लोगे तो ये बटन अपीयर हो जाता है अपलोड फाइल एंड इम्पोर्ट का, आप इस पे क्लिक कर देते हो। आप इस पे क्लिक करके वेट करो जो भी टाइम लगेगा इसे इम्पोर्ट होने में, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब एक बार नीचे आ जाते हैं, देखो
यहाँ पे आपको जैसे आपने इम्पोर्ट पे क्लिक किया तो क्या कह रहा है, इम्पोर्ट ऑथर एडमिन क्रिएट न्यू यूजर, आपको कुछ नहीं करना है, एग्जिस्टिंग यूजर पे भी नहीं करना है, अभी ये सारी चीजें आप एज इट इज रहने दो। इसके साथ ही लिख रहा है डाउनलोड एंड इम्पोर्ट फाइल अटैचमेंट, हाँ अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, आप सिंपली इस पे सबमिट पे क्लिक कर दो। तो क्लिक करने के बाद क्या हो जाएगा, वो सारे पेज जो लास्ट वेबसाइट थी जहां से आपने डाउनलोड किया था वो यहाँ पे क्या होगा, इम्पोर्ट हो जाएगा। तो एक बार इसे इम्पोर्ट होने देते हैं, वेट कर लेते हैं, 1-2 मिनट लगेगा आपका। ये देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, ऑल डन हो गया, सारे पेज आ गए। तो एक बार अब देख लेते हैं पेज में कि वो सारे पेज आए हैं या नहीं। पेज पे मैं क्लिक कर देता हूँ और पेज पे क्लिक करने के बाद अब मैं चेक कर लेता हूँ कि वो सारा पेज इसमें आया है या नहीं। ये देखो सारे पेज यहाँ पे बिल्कुल सक्सेसफुली इम्पोर्ट हो रखे हैं। पहले इसमें 2 या 3 ही पेज था लेकिन अब ये सारे पेज आ गए हैं। आप देख रहे होगे यहाँ पे अबाउट है, अकाउंट है, कॉन्टेक्ट, गैलरी, लॉग इन, लॉग आउट, मेम्बर, यूजर, थैंक यू, ये सारे पेज आ गए। और सेम अगर इसमें आप जाते हो तो यही सारे पेज होंगे आपके। एक बार आप इसमें भी जाओ, ऑल पेजेस पे क्लिक कर लो। यही एक काफ़ी सिंपल प्रोसेस है जिसके थ्रू आप एक वेबसाइट वर्डप्रेस वेबसाइट के पेज को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो। देखो यहाँ भी यही सारे पेज थे, लॉग इन, लॉग आउट, रजिस्टर, टेबल, थैंक यू, यूज़र, और सेम तरीके से दूसरी वेबसाइट में भी ये सारे पेज आ गए हैं। आप कंटेंट भी चेक कर लो कि सेम कंटेंट है या नहीं है। जैसे ये अबाउट है, ऐसा हो सकता है कि जो दूसरी वेबसाइट है उसका थीम अलग हो तो पेज का जो स्ट्रक्चर आए वो अलग आए लेकिन जो कंटेंट है वो सारा आपका आ जाएगा। देखो कंटेंट आ गया सारा आपका, मीडिया भी आ गया आपका सारा। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि इस तरीके से ये जो ऐसा अपीयरेंस हो रहा है ये थीम की वजह से हो रहा है। अगर आप चाहते हो तो सेम थीम यूज़ करोगे, सेम लुक एंड फील आ जाएगा इसका। तो ये आपको कंटेंट आ गया यहाँ से। इसी तरीके से आप पोस्ट को भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो एक बार पोस्ट को भी एक्सपोर्ट करके देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं इसमें कितने नंबर ऑफ पोस्ट अवेलेबल हैं। मैंने ऑल पे क्लिक कर दिया तो यहाँ देखो अभी इसमें सिर्फ एक हेलो वर्ल्ड ही है और कुछ भी नहीं है। और जो पहली वाली वेबसाइट थी ये वाली, इस पर मैं देख लेता हूँ कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं। तो पोस्ट में जाते हो आप, ऑल पोस्ट पे क्लिक करोगे तो इसमें 4-5 पोस्ट बने हुए हैं। मतलब ये देखो 4 पोस्ट हैं, 1, 2, 3 और एक जो हेलो वर्ल्ड है बाय डिफॉल्ट। और जो दूसरी वेबसाइट है इसमें सिर्फ हेलो वर्ल्ड ही है। तो अब हमें क्या करना है, पोस्ट को एक्सपोर्ट करना है। सेम प्रोसेस फॉलो करना है आपको, टूल पे आना है। पहली वेबसाइट के लिए आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हो। जैसे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। अब आपको पोस्ट पे सिलेक्ट कर लेना है। सेम प्रोसेस है, पोस्ट में एक कैटेगरी होती है कि आपको जैसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की पोस्ट बनी हुई होती है। लाइक मान लेते हो आप मोबाइल लेते हो तो सैमसंग हो गई एक कैटेगरी, फिर अगर रेडमी हो गया एक कैटेगरी। इस तरीके से कैटेगरी डिफाइन होती है। जैसे देखो यहाँ पे आईटी है, न्यूज़ है, वेब डिज़ाइन है। तो आप जो भी कैटेगरी सिलेक्ट करोगे उसी के पोस्ट को ये क्या करेगा, डाउनलोड कर लेगा। अगर आपको सारे पोस्ट डाउनलोड करने हैं तो आप ये ऑल वाला ऑप्शन रहने दो। अभी मैं सब में ऑल रहने देता हूँ और सिंपली आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल करोगे सेम तरीके से ये फाइल क्या हो जाएगी, यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। देखो ये डाउनलोड हो गई। अब आपको दूसरी वेबसाइट पे आ जाना है, इस वाले में जो ये मेरा था लोकल होस्ट पे। अब मैं एक बार दूसरी वेबसाइट के अंदर वापस से टूल पे जाता हूँ। फिर से मैं क्या करूँगा, इम्पोर्ट करूँगा। जहाँ पे मुझे पेज को यूज़ करना है वहाँ पे इम्पोर्ट करना है आपको। और वापस से सेम प्रोसीजर होगा आपका। आते हो जब आप नेक्स्ट टाइम इम्पोर्ट करते हो तो आपको इंस्टॉल करने के लिए नहीं बोलेगा, ये सिर्फ क्या करेगा, रन इम्पोर्टर। आपको रन इम्पोर्टर पे क्लिक कर देना है। अब मैंने रन इम्पोर्टर पे क्लिक कर दिया। वापस आते हैं, यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन है। अब आपको सेम प्रोसेस लगाना है, चूज फाइल पे जाओ और देख लो कि अभी जो आपने यूज किया है वो कौन सी फाइल है। ये देखो ये मेरी दूसरी पोस्ट की फाइल हो गई। आप क्या करना, 1 by 1 अलग फोल्डर में रख लेना ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको या टाइम के बेसिस पे। मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, जो पहले का नाम था और दूसरे में ये 1 लग गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये देख लेना। अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और फिर से अपलोड फाइल एंड इम्पोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। और आपको वेट कर लेना है, जैसे ही इम्पोर्ट का ऑप्शन पूरा कंप्लीट हो जाए सेम प्रोसेस कर लेना है। इसके साथ अगर मीडिया इम्पोर्ट है तो वो आ जाए। सबमिट पे क्लिक कर दिया मैंने और वेट कर लो कि जो पोस्ट है वो आपका इम्पोर्ट हो जाए। 1-2 मिनट लगेगा। ये देखो डन हो गया, यहाँ पे ये सारी जो पोस्ट थी वो इम्पोर्ट हो गई, ऑल डन लिख दिया इसने। अब आप पोस्ट पे जाओ एंड ऑल पोस्ट पे क्लिक कर लो। तो जैसे अब आप ऑल पोस्ट पे क्लिक करते हो तो एक बार चेक करते हैं, ये देखो आ गया यहाँ पे पोस्ट, हेलो वर्ल्ड के साथ साथ आ गया। व्हाट, देखो 2 हेलो वर्ल्ड आ गया, एक पहले से इसकी वेबसाइट में था हेलो वर्ल्ड अनकैटेगराइज्ड, ये पहले से था। और ये जो हेलो वर्ल्ड है ये देखो न्यूज़ कैटेगरी बनी हुई है आ गई इसके साथ। एक बार यहाँ पे चेक कर लो आप,
ऊपर चले जाते हैं, इसमें पोस्ट में आ जाओ, ऑल पोस्ट पे क्लिक कर लो आप। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो हेलो वर्ल्ड है वो न्यूज़ में होगा। ये देखो हेलो वर्ल्ड न्यूज़ में है, तो सेम इसमें भी आ गया हेलो वर्ल्ड न्यूज़ में। मतलब सारे पोस्ट यहाँ पे भी आपके क्या हो गए, सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गए। तो इसी तरीके से आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर आप व्यू पे क्लिक करो, कंटेंट आया है या नहीं, तो कंटेंट भी आ गया होगा यहाँ पे। बस जो लुक एंड फील है वो थीम के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगा। ये देखो आ गया टेक्स्ट यहाँ पे। तो इस तरीके से आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर काफी इजी वे में किसी भी पेज को इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो और दूसरी वेबसाइट पे यूज कर सकते हो। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर कैसे पेज को डाउनलोड करोगे या पोस्ट को डाउनलोड करोगे और दूसरे वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर उसे यूज करोगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।